और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्विस जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे जो है वो होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर ये वीडियोग्राफी जो है वो हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में ये सर्वे जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल ज्ञान व्यापी के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती जो है वो की हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञान व्यापी के बाहर आज दुकानें भी बंद रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 मई तक कोर्ट को रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है और उससे पहले सर्वे जारी है। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, फिलहाल वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे जारी है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ी? देखिए अंजलि, लगभग 8 बजे से सर्वे के लिए पूरी टीम जो है ज्ञान व्यापी परिसर में प्रवेश कर ली है और सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितनी गेटें हैं गोदौलिया मैदानी चौराहे को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। 2 किलोमीटर पहले मीडिया को रोक दिया गया है ताकि किसी प्रकार की भगदड़ और किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। दर्शनार्थियों के लिए गेट नंबर 4 खोल दिया गया है जिससे उनको सहजता से काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हो सके और उसी गेट से फिर पुनः उन्हें वापसी के लिए रास्ता बनाया गया है। जी, आप बड़ी बात बताना चाहूंगा कि ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद के अंदर जो प्रवेश किया गया है उसमें दोनों पक्षों द्वारा सामंजस्य बना के ताला खोल दिया गया है और लगभग 60 मिनट हो गए, लगभग 1 घंटे हो गए हैं। सर्वे का कार्य जारी है और ये कार्य जो है लगभग 12 बजे तक चलना है। इसके बाद ये सर्वे 2 दिन और चलेगा और 17 तारीख को इसके बाद टीम द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर तहखाने में इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था, मुस्लिम पक्ष रोक रहा था, लगातार 2 बार सर्वे की जो कार्रवाई थी उसको बाधित कर दिया, न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया। इस बार किस तरीके से वो सर्वे होता है और ज्ञान व्यापी क्षेत्र का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तीनों कोर्ट कमिश्नर एक साथ है, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और पुलिस बल को लगा दिया गया है पूरी तरह से ताकि किसी तरीके की अशांति ढंग की आशंका न हो सके और कहीं किसी तरीके की अराजकता न हो सके। अंजलि जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे तमाम जानकारी के लिए। तो व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई है, सर्वे फिलहाल जारी है, टीम जो है सुबह 8 बजे से ही वहाँ पर डेरे डाले हुए हैं और फिलहाल जो ज्ञान व्यापी के बाहर दुकानें हैं उन्हें फिलहाल बंद रखा जाएगा जब तक सर्वे जारी रहेगा।